पाथरडी हाट तल्ला नीचे बस्ती में स्थित हनुमान मंदिर परिसर में श्री श्री रुद्र अवतार रामायण महायज्ञ प्रारंभ हुआ, जिसकी कलश शोभा यात्रा गाजे बाजे ढोल नगाड़े के साथ निकाली गई, जिसमें लगभग 1001 महिलाएं कुंवारी कन्या कलश लिए सुदामडी रिवर साइड स्थित श्री श्री सूर्यधाम मंदिर स्थित दामोदर नदी से यज्ञाधीश काशी विश्वनाथ से पधारे श्री श्री आशीष जी महाराज व देवघर से पधारे पंडित श्री आचार्य जी आलोक अपने सहयोगी पंडितों के साथ मंत्रोच्चारण के साथ जल भरने का कार्यक्रम किया है। वहीं कलश शोभा यात्रा में जय श्री राम, जय बजरंग बली, ओम नमः शिवाय आदि उद्घोष से पूरा क्षेत्र भक्तिमय हो गया। कलश शोभा यात्रा पाथरडी हाट तल्ला नीचे बस्ती से न्यू माइंस लाल मैदान सुभाष चौक होते हुए दामोदर नदी पहुंची, जहां जल भरने का कार्यक्रम के बाद वापस यज्ञ स्थल पहुंचा, जहां शुक्रवार को पंचांग पूजा मंडप प्रवेश अग्नि प्रकट हुआ, पाठ प्रारंभ होगा। 8 अप्रैल से और 12 अप्रैल को यज्ञ की पूर्णाहुति व महाभंडारा किया जाएगा एवं 12 अप्रैल को भगवती जागरण का भी आयोजन किया जाएगा। यज्ञ को सफल बनाने में यज्ञ समिति के अध्यक्ष साधन महतो और 7 गाँव का मुख्य योगदान रहा है। नीचे बस्ती और यज्ञ का कुछ नाम है बाबा जी जी, इस यज्ञ का श्री श्री रुद्र रामायण महायज्ञ। अच्छा, ये कई दिवसीय यज्ञ है? ये पंच दिवसीय यज्ञ है। अच्छा अच्छा, कहाँ कहाँ से महात्मा लोग पधारे यहाँ पे? ये जो है वृंदावन से, देवघर से और काशी से। अच्छा, प्रवचन किनके द्वारा किया जाए? भागवत रत्न मानस राज हंस, भागवत रत्न मानस राज हंस अरविंद गर्गाचार्य जी महाराज के मुखारविंद से। कब से प्रवचन चालू होगा? आज शाम 7 बजे से 10 बजे तक। अपना नाम परिचय दे दीजिए। जी, हमारा नाम आशीषानंद जी महाराज, हम काशी से मिलान करते हैं। कुछ अपने भक्तों को संदेश देना चाहेंगे बाबा? जी, ये जो है हिंदुत्व पर इस समय चुनौती का समय है, समस्त सनातन धर्म हिंदुत्व एक हो और अखंडता एकता का परिचय दे।